आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं जनरल फिजिशियन डॉक्टर अरूप दास गुप्ता। तो डॉक्टर साहब, स्वागत कर रहे हैं, नमस्कार। नमस्कार। और पहला फोन आ गया है, तो हम अपने श्रोता से मिलते हैं। आरोग्यम में स्वागत कर रहे हैं, अपना परिचय दीजिए। मैं जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल बोल रहा हूँ। हाँ सुरेश जी, हमारे साथ डॉक्टर अरूप दास गुप्ता है। नमस्कार। क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। प्रश्न ये है कि डॉक्टर साहब, मेरे लड़के को दीपक जायसवाल, लड़के का नाम है जी जी, तो दांत लगवाना था, मतलब टूट गया था दांत एक, मतलब उसको लगवाना था। बीएचयू में मैं चेकअप करवाया उसको जी, तो उन्होंने कहा जनरल मेडिसिन विभाग में रेफर कर दिए थे उसको, तो उनका खून चेक करवाया, सीबीसी करवाया, सब करा, उसमें प्लेटलेट कम था, 48,000 हो गया था जी जी। तो उसके लिए मतलब पूरे जांच करने के बाद जांच में कुछ निकला नहीं, बोले कि इसको खिलाइए, मतलब प्लेटलेट बढ़ जाएगा जी। तो प्लेटलेट उसको बकरी का दूध, पपीता, पपीता की पत्ती, अनार, ये सब पिला रहे थे, तो उसका प्लेटलेट 1,75,000 हो गया था जी जी। उसके बाद कल मैं चेक करवाया कि देखिए बढ़ा की घटा है, तो घट के सिर्फ 93,000 हो गया, जबकि हर चीज खिला रहे हैं। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ जी। सुरेश जी, सबसे पहले तो ये बताए कि क्या उसको इससे पहले कोई बुखार आया था? वो अप्रैल में उसको बुखार आया था, एक हफ्ते का, एक हफ्ते में बुखार, दवा दिए थे उस समय तो ठीक हो गया था, तो उस समय मालूम नहीं हुआ जी। जब दांत लगवाने गए तब मालूम हुआ कि सब प्लेटलेट कम है, ऑपरेशन नहीं हो पाएगा दांत का जी। तब उसके बाद ये सब जनरल मेडिसिन में दिखाया, तो डॉक्टर साहब जिसे जांच करवाइए पहले जी, तो सब जांच करवाए, उस समय लगा था 45-40 रुपए, जांच में भी लगा था बीएचयू में जी। तो अभी इस बार जब आपने जांच कराया और उसका प्लेटलेट कम आया, 93,000 आया, तो उससे पहले उसको कोई बुखार आया था? नहीं, उससे पहले तो कोई बुखार नहीं था, किसी तरह सभी ठीक है, मतलब वो हाँ एकदम स्वस्थ है, खेलता कूदता है। हाँ, उसका वजन पहले 57 किलो था, कल वेट कराया तो 57 किलो वजन भी बढ़ गया है, लेकिन मतलब प्लेटलेट ठीक से कम हो गया, समझ में नहीं आ रहा। सुरेश जी, इसमें चेक होने में भी थोड़ी इसमें कभी कभी थोड़े डिफरेंस आते हैं, तो क्योंकि प्लेटलेट जो होते हैं ना, वो जो कोशिकाएं होती है वो बहुत कमजोर कोशिकाएं होती है, तो उसका ब्लड सैंपल कलेक्शन से लेते हुए चेक होने, स्लाइड बनने में काफी अंतर आ सकता है, इसीलिए कभी कभी हम लोग देखते भी है कि अगर एक टाइम में भी हम लोग दो जगह प्लेटलेट चेक कराते हैं तो अलग अलग रिपोर्ट्स आ सकते हैं। तो जब कराए थे उस लैब में, जब उसको भेजे थे उसको, तो उस समय लिखा हुआ था कि 1,25,000 प्लस 1,00,000 एक्स्ट्रा, मतलब उसका उसकी काउंटिंग नहीं है जी, ये लिख के दिए थे। लेकिन यहाँ जब अपने यहाँ करवाए, जमानिया में भी है मशीन जी, तो उसमें करा, उसमें 93,000 जी। हमारे हिसाब से आपको एक बार इसमें पूरा सीबीसी विद जीबीपी चेक करा लेना चाहिए। सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट और जीबीपी मतलब जनरल ब्लड पिक्चर। इसमें एक बार आप चेक कराइए और जहां आप लैब से चेक करा रहे हैं वहां पे थोड़ा इंसिस्ट करिए कि उसमें प्लेटलेट जो है मैनुअल एक बार चेक जरूर करें। कभी कभी होता है कि सेल काउंटर रिपोर्ट्स दिए जाते हैं, तो सेल काउंटर्स में कभी कभी जो है प्लेटलेट्स कम भी दिखते हैं, तो उसमें ये जरूर वहां पे इंसिस्ट करें कि पैथोलॉजिस्ट जो भी डॉक्टर साहब वहां पे हैं एक बार मैनुअल चेकअप जरूर करा ले और इसको एक बार रिपीट चेक करा ले, क्योंकि बिना बुखार के जब आप बता रहे हैं पिछली बार इनका प्लेटलेट नॉर्मल हो गया था और उसके बाद बिना बुखार के प्लेटलेट कम होने की संभावनाएं हैं, लेकिन वो कारण बहुत कॉमन नहीं होते हैं, तो एक बार इसमें आप सीबीसी विद जीबीपी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट विद जनरल ब्लड पिक्चर पूरा चेक करा ले और प्लेटलेट जो है मैनुअल जरूर चेक कराए। मैनुअल मतलब डॉक्टर साहब उसको स्लाइड बना के पूरा अपने से खुद चेक करेंगे, न कि वो सेल काउंटर का रिपोर्ट होगा। यदि तब भी कम जी जी, यदि अगर वो तब भी कम रहता है तब उसमें आगे और जांच पड़ताल करके देखना पड़ेगा कि किस कारण से प्लेटलेट इनके शरीर में टूट रहे हैं या बन नहीं रहे हैं। नहीं, बनने का तो बना रहता, 5,000 के एवरेज से, मतलब 25 दिन में जी 48,000 से 1,75,000 हुआ, तो मतलब बड़ा ही उस समय जी जी। तो वही हम आपसे कह रहे हैं ना, एक बार बढ़ जाने के बाद बिना बुखार या बिना किसी तरह के फीवर के, वायरल फीवर भी नहीं है, डेंगू भी नहीं है अगर इस कारण से, तो फिर इस तरीके से घटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कभी कभी रिपोर्ट्स में गड़बड़ी आ सकती है और वो मशीन की प्रॉब्लम होती है। उसको तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको मुगल सराय या बनारस, मतलब हाँ, आप एक बार मुगल सराय या बनारस में कहीं अच्छे लैब से एक बार मैनुअल कहीं भी आप चेक कराए, वो मैनुअल एक बार जरूर उनसे बताएं कि चेक करें, तो उस रिपोर्ट्स में दोनों मेंशन होते हैं, सेल काउंटर का रिपोर्ट भी मेंशन होता है, मैनुअल रिपोर्ट भी मेंशन होता है, और ज्यादातर समय हम लोग यही देखते हैं कि मैनुअल रिपोर्ट में सेल काउंटर रिपोर्ट से ज्यादा ही प्लेटलेट देखने को मिलते हैं। आप घबराए मत, तो आप ऐसा करें 5 दिन तक उसको थोड़ा सा वही पपीते के पत्ते का रस, बकरी का दूध, कीवी फल, गिलोय, ये सब थोड़ा खिला के एक बार चेक जरूर करा ले उसको। ठीक है, चलिए, नमस्कार, धन्यवाद। हेलो हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार। डिस्ट्रिक्ट मऊ विलेज पासा, डिस्ट्रिक्ट मऊ तहसील सदर से बोल रहा हूँ, बालचंद राम। अच्छा, हमारे साथ जनरल फिजिशियन है डॉक्टर अरूप जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मुझे कभी सर में दर्द हो जाता है और बुखार टाइप हो जाता है और पैर में दर्द, घुटना में दर्द होने लग जाता है जी,
इसका उपचार हेतु अगर कृपा करके बता दीजिए। तो आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र सर मेरी 62 चल रही है। 62। आपका कोई पहले से कोई दवाई चल रही है शुगर का, बीपी का, थायराइड का? शुगर बीपी कुछ नहीं है सर जी। तो इस समय जो आपको बुखार महसूस होता है वो हरारत महसूस होता है कि तेज बुखार आता है? नहीं, हरारत जैसा। हरारत जैसा लगता है, कोई ठंडी सा लगता है? हल्का हल्का ठंडा। ये कितने दिन से आप परेशान हो रहे हैं इससे? परेशान तो समझ लीजिए सर, मैं 5-6 महीने से बीच में दवा इंजेक्शन कराया तो आराम मिला, लेकिन वो ये हरारत जिसे महसूस हो रहा है, कमजोरी और घुटना में दर्द हो जा रहा है, कभी कभी पैर की नसें चढ़ जाती है, यही सब है जी। हाल फिलहाल में कोई अभी जांच पड़ताल हुई है आपकी? ब्लड जांच करवाया था तो ब्लड बहुत माइनस में था, 5.5 पॉइंट था, अब तो पूरा है। अच्छा, खून की कमी थी आपको? हाँ जी जी। अच्छा, ये कब की ब्लड जांच थी? लगभग 3 महीना हो गया। अच्छा, उसके बाद दोबारा आपने चेक कराया? हाँ हाँ, तो पूरा हो गया था, 12 पॉइंट हो गया, 12 पॉइंट पे आ गया था। बालचंद जी देखिए, इसमें एक बार थोड़ा और चेकअप की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे हम आपको बता रहे हैं किस कारण से ऐसे हो सकते हैं, तो इसमें एक बार आप दोबारा अपना हीमोग्लोबिन अवश्य चेक करा लें, प्लेटलेट चेक करा लें, और साथ में एक बार यूरिक एसिड, शुगर और थायराइड, इन चीजों का एक बार जांच पड़ताल करा लें। अच्छा, और एक चीज और चेक कराना है, वो है IgM टाइफाइड एक जांच करा लीजिएगा। नहीं नहीं, कुछ ऐसा बहुत महंगे जांच नहीं है। हाँ, जो शुगर वाला चेक कराएंगे थायराइड का, वो खाली पेट चेक कराइएगा। खाली पेट? जी जी जी। एक चीज और है जी, जो सीना के नीचे दाहिने साइड में कोखा, जो छाती के नीचे होता है कोखा साइड में, जी जी, वहाँ कभी कभी ठंड के, जब ठंड लगती है तो वहाँ दर्द बढ़ता है हल्का हल्का। तो ये खाली पेट आपको ज्यादा होता है कि खाने के बाद? नहीं, खाने के बाद और खाली पेट भी, मतलब ठंड में होता है, ठंड में ज्यादा होता है। कोई ऐसे सीने में उसके ऊपर कोई भारीपन? नहीं, तो ऐसा तो कुछ नहीं। नहीं, तो वो भी हमें लगता है थोड़ा नसों की और कैल्शियम की कमी के वजह से आपको हो रहा है। तो एक बार जो हमने आपको जांच बताया, शुगर, थायराइड, यूरिक एसिड और एक IgM टाइफाइड का ये जांच, साथ में हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट काउंट, ये चेक करा ले। तो इसमें कारण एक बार देख लेना है कि किस कारणवश, क्या कोई बीमारी के वजह से ऐसा हो रहा है या सिर्फ कमजोरी के वजह से ऐसी दिक्कत आ रही है। जी ठीक है, नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं आप? मैं बर्रा पुल से असगर अली बोल रहा हूँ। असगर अली जी, डॉक्टर अरूप दास गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जनरल फिजिशियन। पूछिए, क्या पूछना है आपको? प्रणाम। प्रणाम। पूछना है, प्रॉब्लम ये है, जो प्रेशर भी रहता है तो प्रेशर की दवा वो खाती है। जी जी। और लेकिन अभी उनको जो ये पल्स जो है हाई रहता है, हमेशा दवा खाने के बाद भी पल्स उनका हाई रहता है। एक बार इनका 171 चला गया था। हाँ, पल्स। जी जी। और अभी जो है तो उनका नॉर्मली जो है 101, 102, 98 बहुत कम होगा तो 96 तक रहता है बस। जी। लेकिन प्रेशर बराबर रहता है, ये क्या बात है? अच्छा, प्रेशर की कोई दवाई चल रही है? जी हाँ, प्रेशर की दवाई चल रही बहुत कई साल से। अच्छा, इनको माता जी को कोई सांस की दिक्कत या सीने में भारीपन रहता है? नहीं, भारीपन सीने में नहीं रहता है, सांस की भी दिक्कत नहीं है। जी। उनका मतलब यूरिनल प्रॉब्लम था, वो तो अपने डॉक्टर शाह को दिखाया था। जी। वो अभी थोड़ा कंट्रोल में है। अच्छा, घुटने में भी जो है तो ये प्रॉब्लम है, चलने फिरने में मुश्किल होती है। अच्छा, उनको माता जी को कोई घबराहट, बेचैनी या कोई नींद की कमी? नहीं, सोते हैं तो कुंभकर्ण है। हाँ। अच्छा, दोनों को 24 घंटा अगर खाने के लिए न जगाया जाए तो भी वो सोती ही रहती है। जी। अच्छा, देखिए इसमें असल में ब्लड प्रेशर की भी अलग ग्रुप की दवाइयाँ होती हैं, उसमें कुछ ग्रुप्स ऐसे भी होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, जिसको देने से थोड़ा हार्ट रेट भी साथ साथ में कंट्रोल किया जा सकता है। उनको जो है तो ये प्रेशर जो है तो नॉर्मल रहता है, हम देखते हैं बराबर जो मॉनिटर से, तो प्रेशर में कोई ज्यादा उछाल नहीं होता, बहुत ज्यादा होगा तो उनका 140 के नीचे ही रहता है। जी, इस उम्र में तो 150/90 के नीचे अगर रहे प्रेशर तो ठीक माना जाता है, साथ में जहाँ तक धड़कन की गति है वो कायदे से 100 के नीचे रहे तो सही है, 100 तक नॉर्मल माना जाता है, कायदे से तो थोड़ा 80 तक रहे तो ठीक रहेगा उनकी उम्र के लिए, 100 के ऊपर आप जैसे बता रहे कभी कभी चला जाता है तो उसमें थोड़ी दिक्कत है। अच्छी बात। अच्छा, इनको साथ में शुगर थायराइड की कोई परेशानी नहीं है ना? खाने पीने के लिए ना शुगर है ना और कुछ नहीं है, थायराइड था तो अब कंट्रोल हो गया, दोबारा चेक कराया तो नॉर्मल हो गया। जी, तो थोड़ा थायराइड पे भी नजर रखिएगा, क्योंकि कभी कभी थायराइड में दिक्कत आने से जैसे हाइपर थायराइडिज्म होता है उसके कारण भी ब्लड, ये आपका पल्स रेट बढ़ सकता है। अच्छा, तो अगर तो थायराइड के आप ही बीच बीच में चेक कराते रहिए हर 3 महीने में, थायराइड भी साथ में। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। 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 हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्य में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? हाँ, हम कोटवा से गुलजार बोल रहे हैं।
हाँ गुलजार जी, वहाँ से जी जी हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं अरूप दास गुप्ता जी, पूछिए क्या पूछना है आपको। डॉक्टर साहब से हम पूछना चाहते हैं कि मतलब हमारे गांव में मच्छर बहुत ज्यादा है जी, मच्छर से किस तरह मतलब बचाव हो सकता है। ठीक है, देखिए इसमें तो दो तरीके से बचाव आप कर सकते हैं। पहले तो मच्छर का जहाँ ब्रीडिंग ग्राउंड है, मतलब जैसे नॉर्मली डेंगू के मच्छर होते हैं, मलेरिया के मच्छर होते हैं, ये कोई स्टैग्नेंट वाटर जो ठहरा हुआ पानी है उसमें इन लोग का ज्यादा ब्रीडिंग होता है। तो कोई भी आपके गांव में अगर खुला पानी का जगह है उसको रोकिए, जैसे कूलर में अगर पानी पड़ा हुआ उसको हटा लें। और मतलब सर हमारे गांव में मतलब कि नाला है और गांव में मतलब संडास वगैरह बहुत कम सा है जी, लोग बाहर शौचालय करने के लिए जाते हैं, अगल बगल मतलब गंदगी भी रहता है जी जी, इस वजह से मतलब हमारे गांव में मच्छर बहुत ज्यादा है। मतलब मच्छर काटते हैं तो मतलब बड़ा बड़ा दिदोरा पड़ जाता है जी। तो देखिए थोड़ा साफ सफाई तो हमेशा ही आवश्यक है, तो ये थोड़ा आप भी प्रयास करें कि अपने गांव वालों को ये चीज समझाएं। सफाई वगैरह करते हैं हम जी, लेकिन मतलब हमारे गांव में मतलब हमारे घर के लगे ही मतलब कि थोड़ा सी दूर पे नाला है और उसमें मतलब अभी नलुआ नाला नहीं लगा हुआ है जी, तो इसी वजह से मतलब गंदगी ज्यादा रहता है तो मच्छर बहुत ज्यादा काटता है। वहाँ तो अथॉरिटी से थोड़ा बात करके देखे अगर वो नाला ढका जा सके कम से कम। दूसरी चीज ये है कि आपको अपने घर पे मच्छर से किस प्रकार से बचाव किया जा सकता है, तो उसमें मच्छरदानी में रहे, इसके अलावा खिड़कियों पे जाली लगवा ले ताकि मच्छर घर पे ना आ सके, शाम होने से पहले थोड़े खिड़कियां बंद रखे, इसके अलावा हमेशा फुल कपड़े पहने, फुल शर्ट पहने, फुल पैंट पहने, मोजे पहने, क्योंकि डेंगू के मच्छर ज्यादातर पैर में काटते हैं। और डॉक्टर साहब ये पूछना चाहते हैं अगर डेंगू मान लो हो गया जी तो कैसे मतलब जल्द से जल्दी ठीक हो जाएगा। देखिए डेंगू होने से सबसे पहले तो जरूरी है कि आप जल्दी से उसका इलाज चालू करें, अपने आस निकट पड़ोस में जो भी डॉक्टर साहब हैं उनसे एक बार संपर्क अवश्य कर लें और उनके डायरेक्शन के साथ ही चले। अगर समय से डेंगू का इलाज हो तो डेंगू वायरस 5 से 7 दिन के अंदर खुद ब खुद कम हो जाता है जी। इस बीच में वो दिक्कत अवश्य करता है, इस बीच में वो लिवर में थोड़ा सूजन ला सकता है, उल्टी मिचली बहुत ज्यादा हो सकती है, हाथ पैर में दर्द हो सकता है, प्लेटलेट्स में कमी आ सकती है। डेंगू आ जाने से मतलब कि सर भी पकड़ लेता है। बिल्कुल पकड़ता है, सर पकड़ सकता है, हाथ पैर जोड़ों में बहुत दर्द, तेजी से दर्द हो सकता है, उल्टियां हो सकती है, डिहाइड्रेशन होने के बहुत चांसेस रहते हैं डेंगू में। तो इसमें ध्यान ये देना है कि पानी अधिक से अधिक पीते रहना है, जितना आप डिहाइड्रेशन बचाएंगे उतना ही डेंगू के कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम रहेंगे। आप पानी मतलब कि चापा में से पानी हम लोग के घर पर आता है जी, तो चापा में का पानी तो पी सकते हैं ना। चापा कल का पानी एक बार उबाल जरूर ले, उबाल ले तो वो साफ हो जाएगा, उसके बाद उसे भले ही ठंडा करके ले। अच्छा ठीक है, ठीक है धन्यवाद। हेलो हाँ आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार, आप आजमगढ़ से बोल रहे हैं एलजी यादव। अच्छा यादव जी नमस्कार, हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, पूछिए क्या पूछना है आपको। ये सब पूछ रहे थे कि मलेरिया अगर हो जाए तो जो हमारे यहाँ मलेरिया दवा चलाते हैं लोग 14-15 दिन चलाते हैं और के साथ, तो यही हम पूछना चाह रहे उचित दवा है कि और कहीं दिखा के ले। देखिए मलेरिया में बुखार कंट्रोल करने के लिए तो पैरासिटामोल लेना ही है, साथ में मैलेरिड डीएस का ठीक मलेरिया के उपचार से ज्यादा उसके फैलने में रोकथाम में ज्यादा काम आता है। मलेरिया के उपचार में जो दवाइयाँ यूज होती है वो क्लोरोक्वीन यूज होती है और आजकल जो है आर्टिमिसिन बेस्ड थेरेपीज यूज होती है। ये सब दवाइयाँ आपका मलेरिया के जो कीटाणु है आपके ब्लड में उनको मारेंगे। और प्राइमाक्वीन क्या करता है, जो गैमिटोसाइट होते हैं मलेरिया के जो कि आपके ब्लड में बहुत दिन तक रह सकते हैं उनको मारने में काम करता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि एक टोटल क्लियरेंस करता है मलेरिया का, ताकि अगर आपको मच्छर दोबारा काटे आपसे वो दूसरों में ना फैले, रेडिकल क्योर कहते हैं इसको। अच्छा पहला चीज तो इसमें और इस चीज में भी ध्यान रखे, ये तो एक जनरल चीज हम आपसे बता रहे हैं आपकी जानकारी के लिए, लेकिन ये किसी चिकित्सक के आदेशानुसार ही ये लिया करें। और ये मोस्टली 3 दिन का कोर्स होता है, दूध के साथ लेना होता है क्योंकि उसमें जो लुमेपेंट्रिन होता है वो दूध में ही ज्यादा अच्छा डिसॉल्व होता है। किसी डॉक्टर से अवश्य अगल बगल संपर्क कर ले। ठीक है धन्यवाद। हेलो हेलो हाँ नमस्कार, आरोग्य में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। हाँ मैं यश के श्रीवास्तव बोल रहा हूँ बसनी से। हाँ डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। ये कह रहे थे कि 9 जून को मैं इसको कोविड का सेकेंड डोज दिया था जी जी। हाँ उसके बाद से मेरा हाथ जो है बाया हाथ जो है दर्द कर रहा है जी। हाथ जो है पीछे जाने में भी बहुत तकलीफ देता है जी। आसन हम बाएं हाथ से नहीं कर पा रहे हैं
जी गर्म पानी से धूप माने सिकाई करते हैं, इसमें जो है एक तेल है तो लगा के धूप में सिकाई करते हैं, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है बढ़िया सा। कितने दिन पहले आपका डोज लगा था सेकंड? 9 जून को सेकंड लगा था, 9 जून के बाद से ही थोड़ी सी परेशानी धीरे धीरे बढ़ती गई। जी श्रीवास्तव जी, देखिए वैसे तो कोविड वैक्सीन के बाद जो दर्द होता है वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं ठहरता है, वो 3-4 दिन तक रुक सकता हो सकता है, वहाँ पे जो इंजेक्शन साइट है वहाँ पे थोड़ा दर्द रहे, बट अगर इतने लंबे समय तक ये दर्द हो रहा है तो ये बहुत मतलब अनलाइकली है कि ये कोविड वैक्सीन के वजह से हुआ हो। अब जो भी हो, मैंने जहाँ पे इंजेक्शन लगा था डॉक्टर ना, जी जी, जगह भी पेन होता है जी, कंधे के जॉइंट पर भी पेन होता है जी। तो जहाँ पे इंजेक्शन लगा था वहाँ पे कोई गांठ तो नहीं है? गांठ कुछ हल्का सा मोटापा कुछ लगता है, कुछ है। गर्दन के आसपास तो कोई दर्द नहीं है? गर्दन से शोल्डर के बीच में गर्दन वगैरह कोई दर्द नहीं है जी, सिर्फ आया जहाँ इंजेक्शन लगवाए थे उससे रिलेटेड जो है कोहनी के ज्वाइंट हो गया और कंधे के ज्वाइंट हो रहा है जी जी। तो और बाएं तरफ सीने में कोई दर्द तो नहीं है? नहीं, सीने में कोई दर्द नहीं। हम कार्डियोलॉजी में BHM करवा चुके हैं बहुत, 2016-17 में सारे में जी एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपका कोई शुगर थायराइड का दवाई तो नहीं चलता? यूरिक एसिड? नहीं 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 नहीं, 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 तो नहीं है जी। इसमें हमें हाँ और कोई टेस्ट करा कहे तो फिर करवा सकते हैं। हाँ, इसमें हमें लगता है आप अपना एक यूरिक एसिड तो अवश्य जांच करवा लें, साथ में एक थायराइड और शुगर भी करवा लें। शुगर तो नहीं है, ये बात की गारंटी है। ठीक ठीक, तो थायराइड और यूरिक एसिड एक बार चेक करवा लीजिए और साथ में एक शोल्डर का एक्सरे करवा लीजिए। अच्छा, शोल्डर? हाँ, कि हो सकता है वहाँ पे कोई हड्डी बड़ी हो या कोई नस में दबाव बन रहा हो जिसकी वजह से ये दर्द आपको हो रहा है। आसपास में कोई ऑर्थोपेडिक डॉक्टर अवेलेबल हो तो एक बार चेक करवा ले। और कुछ खाने होने के लिए, कुछ लगाने के लिए डॉक्टर? खाने में तो ऐसा कोई परहेज नहीं है, वो तो यदि कोई बीमारी सामने आती है तो उसमें देखना पड़ेगा। बाकी चीजों में जो ध्यान देने वाली बात है उसमें तकिया थोड़ा हल्का पतला लगाइएगा। एकदम एकदम पतला, माने इतना पतला होता है कि डबल कर हाँ। जाके कुछ मतलब है। गर्दन ज्यादा देर आगे झुका के कोई काम मत करिएगा और बाएं हाथ से कोई भारी वजन मत उठाइएगा। नॉर्मल एक्सरसाइज जो आप करते हैं वो कर सकते हैं, योगा व्यायाम कर सकते हैं जी। हाथ पीछे ले जाने का वो हम नहीं कर पाते हैं। हाँ, एक बार यदि थोड़ा सा प्रयास करके कर देंगे जी तो हल्के से माने दर्द तो होता है आसानी। हाँ, उसके बाद फिर कायदे से होने लगता है जी। तो एक बार अपने अगल बगल ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखा के एक एक्सरे अगर करवा ले और साथ में यदि उनका कहना हो तो एक बार फिजियोथेरेपिस्ट से भी आप संपर्क कर सकते हैं, तो वो कुछ आपको स्पेसिफिक व्यायाम बता देंगे कि कैसे कैसे करना है, तो उससे आपको आराम अवश्य मिलेगा। कुछ मालिश करने के लिए नहीं बताएंगे? देखिए इसमें कारण क्या हो रहा है, कहाँ पे नस दब रही है, हड्डी के वजह से दिक्कत हो रहा है, तो इसमें ये पकड़ लेना जरूरी है क्योंकि आपको ये 3-4 महीने से दिक्कत हो रहा है और ये दिक्कत धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो मालिश करने के लिए तो काफी सारे दर्द की मलहम आते हैं, उसको लगाएंगे, जब तक लगाएंगे तब तक उसमें आराम मिलेगा। लेकिन जड़ से यदि आप इसका कारण ना पकड़े, उसका इलाज ना करें, तो फिर ये दिक्कत आपका पनपता ही रहेगा शरीर के अंदर। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75वां वर्ष हमारी स्वतंत्रता का है। चिकित्सा सुविधाओं की दृष्टि से हम विचार करें तो आप एक युवा डॉक्टर हैं, आप क्या सोचते हैं कि हमारे देश में, हमारे बनारस में खासकर किस तरह की चिकित्सा सुविधाएं विकसित हुई हैं, क्या क्या सुधार हुआ है? अब देखा जाए तो हमारे छोटे से कैरियर में ही 5-6 साल में ही हमने बनारस में काफी सारी नए डेवलपमेंट्स देखे हैं जी। पहले तो कोई भी सीरियस मरीज होता था तो हम लोग को यहाँ से रिफर करना पड़ जाता था, लोग लखनऊ या दिल्ली के लिए निकल जाते थे, लेकिन अब तो बनारस में भी काफी ऐसे फैसिलिटीज है और ऐसे इक्विपमेंट्स है जिसमें बहुत सीरियस मरीज, इवन ICU मैनेजमेंट भी बनारस में अब संभव हो पा रहा है जी। पहले डायलिसिस की बड़ी दिक्कत रहती थी, आजकल तो डायलिसिस सेंटर करीब करीब सभी बड़े अस्पतालों में उपलब्ध, इवन सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है और इवन ICU पेशेंट्स को, वेंटिलेटेड पेशेंट्स को भी ICU में भी डायलिसिस की सुविधाएं दी जा रही है। एक हीमो डायलिसिस की भी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध है, पेरिटोनियल डायलिसिस की भी सुविधाएं उपलब्ध हो पा रही है। बाकी डॉक्टरों की संख्या में भी धीरे धीरे अब वृद्धि हो रही है, पहले एक डॉक्टर पे काफी मरीजों का लोड रह रहा था। एक फोन है डॉक्टर साहब। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्य में स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं? अनिल कुमार गुप्ता गौड़, अशोक विहार कॉलोनी फेस 2 पहाड़िया वाराणसी से। अच्छा, डॉक्टर अरूप दास गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जनरल फिजिशियन, आपका कुछ प्रश्न है पूछिए। जी जी,
ऐसा है सर कि ये जो डेंगू है इसकी प्रारंभिक अवस्था में ही पता नहीं लगता क्या, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है कि कुछ लोगों की तो स्मृति शेष रह गई है और कुछ लोग ठीक हो गए हैं। तो जरा डॉक्टर साहब से विस्तृत जानकारी चाहिए कि प्रारंभिक लक्षण इसके क्या है और कैसे लोगों को पता लग जाए, क्योंकि बहुत लोगों ने लापरवाही करके और बाद में सीरियस हो जा रहा तब ये लोग एडमिट हो रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है आपने। डेंगू का प्राथमिक लक्षण जो आते हैं वो किसी भी वायरल फीवर या मलेरिया जैसे ही आते हैं। उसमें आपको बुखार होना, उल्टी होना, हाथ पैर में दर्द रहना, मांसपेशियों में खिंचाव होना, सर में दर्द रहना, आंख के पीछे दर्द होना, आंख में भारीपन रहना, हाथ पैर में खुजली होना, दाने पड़ना, इन सब चीजों के साथ डेंगू शुरुआत में आ सकता है। मैक्सिमम केसेस जो डेंगू के होते हैं वो नॉर्मली इन सिम्टम्स के साथ ही 5 से 7 दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन किसी किसी केस में जो होते हैं डेंगू कभी कभी सीरियस भी हो सकता है, जिसमें प्लेटलेट्स डाउन हो सकते हैं, बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है, बहुत उल्टी होने के वजह से, खाना पीना ना खा पाने की वजह से। इस केसेस में जो होता है कभी कभी जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डेंगू के वो हो सकते हैं, जैसे डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं या डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं, जिसमें ब्लीडिंग हो सकता है, ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है, बहुत ज्यादा घबराहट बेचैनी हो सकती है। ठीक है, तो अब इसमें आपको पता कैसे चले कि ये डेंगू है कि कुछ और है? हाँ सर, इसी चक्कर में ऐसा हुआ ना कि मेरा एक सहपाठी था जी, उसके भाई को हुआ, तो उसने शुरू में सर्दी जुकाम ऐसा नॉर्मल इलाज कराया, फिर 10 दिन के बाद दोबारा उसकी तबीयत खराब हुई जी, और उसको हम लोग बचा नहीं पाए, हॉस्पिटलाइज किए तब भी नहीं बचा जी। ये तो बड़ी दुखद घटना है, हमें लगता है जरूर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आया होगा, लेकिन इससे बचने के लिए हम लोग के पास क्या तरीके है, वो यही तरीके है कि अगर इस मौसम में बारिश के बाद, ये जो मौसम होता है जो चालू होता है आपका जुलाई से लेके अक्टूबर तक का, इस मौसम में किसी भी बुखार को हल्के में नहीं लेना होता है। अगर नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बुखार आया, गए बगल से एक पैरासिटामोल खरीदे, खा लिए, सोचे कि कल तक ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आपको 2 से 3 दिन तक बुखार बना हुआ है, बहुत तेज बुखार आ रहा है, ठंड दे के बुखार आ रहा है, हाथ पैर बदन में बहुत, सर में बहुत दर्द है, उल्टी हो रही है, ऐसे केसेस में हमेशा 2 दिन के बाद ही आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, 2 दिन से ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, और अगर डॉक्टर को आपके लगे कि इसमें टेस्ट होना चाहिए तो तुरंत डेंगू का जांच करवा लेना चाहिए। जी, तो अगर डेंगू का भी जांच कराए, प्लेटलेट का भी साथ में जांच करा ले। सर, डेंगू में प्लेटलेट्स डाउन होता है और कोरोना में प्लेटलेट्स ही डाउन होता है, चिकनगुनिया में? देखिए किसी भी वायरल फीवर में प्लेटलेट्स डाउन हो सकता है, इवन मलेरिया टाइफाइड में भी प्लेटलेट डाउन हो सकता है, नॉर्मल वायरल फीवर में हो सकता है, कोरोना भी वायरस है उसमें भी हो सकता है, डेंगू में भी हो सकता है। अब डेंगू को प्लेटलेट के साथ ज्यादा इसलिए जोड़ा गया कि डेंगू के किसी किसी केस में सीवियरली प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं। हाँ सर, और एक चीज का धन्यवाद कि मलेरिया का वैक्सीन आ गया है सर जी, लेकिन अभी भी उसमें वैक्सीनेशन तो पूरा पहुंचने में अभी बहुत समय लगेगा, अभी तो उसमें बचाव ही सबसे बेहतर तरीका है। हाँ सर, उसके लिए भी बता दीजिए, लोगों को कुछ जानकारी हो जाए मलेरिया ली तो मेन मच्छरदानी लगाना, पूरे फुल कपड़े पहनना, शरीर में जितना आप अपना स्किन कवर रख सके उतना कवर रखे, फुल शर्ट पहने, फुल ट्राउजर्स पहने, मोजे पहने रखे, घर पे जो है मच्छरदानी लगाए, खिड़कियों पे जाली लगवाए, अगल बगल अगर कहीं भी आपका पानी ठहराव है तो उसको हटाने का प्रयास करें, जैसे कूलर वूलर में हम लोग बहुत टाइम पानी छोड़ देते हैं वैसे ना रखा करें, कोई टंकी खुला ना रहे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद सर, चरण स्पर्श, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। हेलो, हाँ जी नमस्कार, आरोग्यम कौन बोल रहे हैं आप? मैं जौनपुर सागर से बोल रहा हूँ, अनंत कुमार गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, डॉक्टर अरूप दास गुप्ता जी हमारे साथ हैं। हाँ नमस्ते अनंत जी, बताएं। एक जानकारी ये चाहता था कि दिन में जो मच्छर काटते हैं जी, तो क्या ये मान लिया जाए कि वो डेंगू के ही मच्छर हैं? कि अक्सर नमी की वजह से जहाँ पर मैं बैठता हूँ, जहाँ मैं वहाँ थोड़ा सा नमी या गंदगी की वजह से मच्छर अगल बगल से आते हैं जी, तो मुझे ऐसे कभी कभी ये शक होता है कि ये क्या ये इसको मान के चला जाए कि ये डेंगू के ही मच्छर है? देखिए आज के सीजन में तो हर मच्छर ही खतरनाक है जी जी। हाँ, तो अभी उसमें डेंगू के मच्छर ये अवश्य है कि वो सुबह के टाइम ज्यादा काटते हैं, जो फीमेल एडीज इजिप्टी मच्छर होते हैं उसी से डेंगू फैलता है, और ये जो होते हैं ये सुबह के टाइम ज्यादा काटते हैं, लेकिन अब ये कोई 100% नहीं है कि ये रात में नहीं काटेंगे या कोई दूसरा मच्छर सुबह नहीं काटेगा। ये लो फ्लाइंग मच्छर होते हैं, मतलब ये नीचे की तरफ रहते हैं, सतह की तरफ रहते हैं, तो ये पैर में ज्यादा काटते हैं। तो इसमें आपको ये सावधानी बरते कि फुल ट्राउजर्स पहने और मोजे पहन के रखें,
और आपको आजकल रोलॉन्स आते हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट्स आते हैं, ये सारी चीजें लगा के रखे ताकि मच्छर से बच सके। इस समय तो ये रिस्क लेना ही नहीं है कि कोई मच्छर काटे, अब वो जो भी मच्छर काटे। जी, ये कभी भी रहते हैं या केवल बरसात में ही ये मच्छर रहते हैं? नहीं, मच्छर तो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन बरसात में क्योंकि पानी इकट्ठा हो जाता है, इन लोग का मच्छरों का जो ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं वो स्टैग्नेंट वाटर होता है, मतलब ठहरा हुआ पानी, तो बरसात में जगह जगह ऐसे पानी ठहर जाते हैं, तो इसीलिए इनकी आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है इस रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में, तो इसीलिए इस समय ये बढ़ जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया। मैं एक जानकारी शेयर करना चाहूंगा अन्य श्रोताओं के लिए भी। जी, कल ही न्यूज पेपर में है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो बहुत जल्दी मलेरिया के टीके निकाल रही। जी जी, कल मैंने पढ़ा। जी, बहुत ही सुखद समाचार है, विशेषकर बच्चों के लिए। जी, तो मैं चाहूंगा ये सूचना जो है सभी बच्चों तक जाए। जी, ये बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर हम कहेंगे कि जो आधुनिक भारत है उसमें चिकित्सा की सुविधाएं हमारे बनारस में भी बहुत अच्छी हो गई हैं। बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। जी, तो हम ऐसे ही और सुधार की तरफ बढ़ते रहें और हमारे बनारस में ही अच्छी अच्छी चिकित्सा सुविधाएं लोगों को मिले ताकि उन्हें दूसरे बड़े शहरों की ओर भागना न पड़े। जी, विदा लेने से पहले आपकी पसंद का एक गीत हम श्रोताओं तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे। कौन सा गीत है? एक रुदाली का गाना है, दिल हुम हुम करे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही उम्दा गीत आपने चुना है डॉक्टर साहब। तो हम आपकी ओर से श्रोताओं तक पहुंचाते हैं ये गीत और अब विदा लेते हैं। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ इस कार्यक्रम में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर अरूप दास गुप्ता जी को धन्यवाद दे देते हैं और अब ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्ते। मैंने पा